हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम है आबिर और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल। वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं डकी भाई के बारे में, जिन्होंने रिसेंटली अपने चैनल पर एक वीलॉग अपलोड किया था जो कि पाकिस्तान से दुबई ट्रैवलिंग और फिर दुबई में इंडिया और पाकिस्तान के मैच के रिलेटेड था। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने चैनल पर वो वीलॉग अपलोड किया तो उनको स्टार स्पोर्ट्स की तरफ से एक स्ट्राइक आ गई, जिसकी वजह से उनकी वीडियो को डिलीट कर दिया गया। इस बारे में इन्फॉर्म करते हुए उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी शेयर की, जिसमें उन्होंने लिखा, माई वीडियो डिलीटेड बाय स्टार स्पोर्ट्स बट इट इज स्टिल अवेलेबल ऑन माई फेसबुक। आई जस्ट वॉन्ट टू से थैंक यू ऑल फॉर ऑल दी सपोर्ट डीएम्स एंड कॉमेंट्स। इसके अलावा उन्होंने अपने अकाउंट से एक ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह स्टार स्पोर्ट्स के चैनल से ज्यादा तो हमारे वीडियोज पर ज्यादा व्यूज आ रहे थे। इसके अलावा उन्होंने अपने चैनल पर एक और वीडियो अपलोड की, जिसमें उन्होंने इस सारी सूरत हाल से इन्फॉर्म किया। उन्होंने क्या कहा इस बारे में आप खुद सुन लें। बाकी पूरी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। कोई 2-3 घंटे पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी, जो क्रिकेट मैच हुआ पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का एशिया कप 2022, उसका मैंने व्लॉग बनाया था। एक फ्रेम भी, एक फोटो तक मैंने ऐसी इस्तेमाल नहीं की वीडियो के अंदर जो मैंने अपने फोन से रिकॉर्ड नहीं किया। शुरू से घर से हमने हेमलो जी करते हुए निकले थे हम लोग, और उसके बाद जो है हम लोगों ने एंड किया था ओका फिर से, ठीक है, और फिर हमारा आउटरो चल जाता है। सारा का सारा कॉन्टेंट, एक एक चीज मेरे अपने फोन से रिकॉर्ड हुई है, एक एक अल्फाज मेरे, अभी जो है घंटा पहले उस पे स्टार स्पोर्ट्स इंडिया ने जो है कॉपीराइट स्ट्राइक लगा दी है और मेरी वीडियो जो है वो उड़ गई है। कुछ देर पहले मैंने ट्वीट की थी तो नीचे मुझे किसी ने कहा था कि स्टार स्पोर्ट्स के खुद के चैनल पे इतने व्यूज नहीं आ रहे हैं जितने आपके चैनल पे आ रहे हैं, तो उन्होंने जो है हमारी वीडियो ही रुवा दी। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।